गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजी। चलिए बात करते हैं निफ्टी के। दोनों टारगेट आपने देखे हैं अचीव होते हुए। कल ऑलमोस्ट 9400 के पास निफ्टी जाते हुए हमने देखी थी, और आज नीचे का 9000 का टारगेट अचीव होते हुए आपने देखा है। संडे ही मैंने आप लोगों के साथ टारगेट दिए थे निफ्टी के। एज पर एवरी वीक मैं आप लोगों के साथ निफ्टी के लेवल शेयर करती हूँ। आज मार्केट में काफ़ी नरमी हम लोग देख रहे हैं। क्रूड ऑयल के बारे में आपने सुना ही होगा कि ऑलमोस्ट मतलब वो नए लो हमने कल रात में उसको लगाते हुए देखे हैं। बहुत बुरी तरीके से पिटाई होते हुए हमने देखी है। एक्चुअली क्रूड ऑयल नीचे आता है तो स्टॉक मार्केट के लिए डेफिनेटली अच्छा होता है, बट कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट स्टॉक मार्केट पर हम लोग आज नहीं देख पाए हैं। ओवरऑल मार्केट नेगेटिव जोन में ही जाते हुए, अगर आप संडे की मेरी वीडियो निकाल के देखोगे तो मैंने बोला था कि 1929 जैसे सिचुएशन हो रही है, और 1946 का लो कल क्रूड ऑयल ने तोड़ दिया है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं आसपास वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप रिमाइंड करो तो 1946 का लो देख लीजिए क्रूड ऑयल का, और कल का लो देख लीजिए क्रूड ऑयल का, तो आपको कंपेरिजन हो जाएगा। कल हमने देखा HDFC बैंक का रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। ऑलमोस्ट हमने देखा कि 17.72% से प्रॉफिट बढ़ा था। NII 16.15% से था बढ़ा था। NIM 4.3% था। देन हमने देखा NPA 12 बेसिस पॉइंट पे कम हुआ है। देखिए NPA कम होना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने NPA का एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि NPA कितना मैटर करता है बैंक्स के लिए। तो 12 बेसिस पॉइंट से अगर कम होता है तो बहुत अच्छी बात है HDFC बैंक के लिए। फिर डिपॉजिट उनका 24% से बढ़ा है, दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। यहाँ पे HDFC का रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छा हमने देखा है, बट यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड या बोनस अभी फ़िलहाल डिक्लेयर नहीं किया है। फिर 22 तारीख को कोटक बैंक QIP और FPO के ज़रिए इक्विटी फंड रेज करने की कोशिश करने वाली है, दैट इज़ ऑल्सो इसे हम लोग पॉजिटिव न्यूज़ भी बोल सकते हैं। फिर इन्फोसिस का भी रिजल्ट हमने देखा, और आज इन्फोसिस की पिटाई होते हुए भी हम लोग देख रहे हैं। 6.10% से प्रॉफिट बढ़ के आया। YOY 8% था। ऑपरेटिंग मार्जिन भी 21.3% था। इन्होंने काफ़ी अच्छा डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर किया था। 9.50 डिविडेंड यहाँ पे इन्होंने अच्छा डिक्लेयर किया है। फिर भी हमने देखा है कि मार्केट में सस्टेन नहीं कर पा रहा है कोई भी स्टॉक। क्रूड ऑयल रिलेटेड होने दीजिए। अब आप देखिए कि क्रूड ऑयल अगर इतना नीचे आ सकता है तो आने वाले दिनों में मार्केट में भी थोड़ी बहुत हालत ख़राब होते हुए हम लोग देख सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ संडे मारुति शेयर किया था, वो भी आपने देखा है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट से वो भी डाउन होते हुए हमने देखा है। सो ये सारी स्ट्रैटेजीज जब बनती है, ये सारे टेक्निकल व्यूज जब बनते हैं, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जब कैलकुलेशंस होते हैं, तभी जाके इतने परफेक्ट कैलकुलेशंस निकलते हैं। तो गाइज यही थी आज की सारी न्यूज़ जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैंने भी किया है मारुति सेल, और आप देख सकते हो यहाँ पे ₹5,333.95 पे सेलिंग है, एक लॉट। प्रॉफिट आप देख सकते हो 53,000 का प्रॉफिट यहाँ पे होते हुए आप देख सकते हो। तो यही सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ करके आप भी प्रॉफिट कर सकते हो। टिल देन गाइस, ऑल द बेस्ट।